हर हर महादेव दोस्तों नमस्कार प्रणाम, कैसे आप सब, आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है हमारे यहाँ शाम का नजारा। और मानसिक पापा गए हैं बाबा को पौड़किया खिलाने, क्योंकि 11 KG खरीद के लाए थे, खत्म हो गया, दोनों लोग खा रहे हैं। और आप सबके लिए एक ये रखे है जो कि मानसिक आए, तो आप सब भी खा लीजिए। और हम देखिए खा रहे हैं अभी, मस्त गए थे सासू माँ को छोड़ने तो खरीद के लाए थे। टेस्टी बहुत लगता है, गरम है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और देखिए थावे से ये खरीद के लाए थे सुगा के लिए, इसमें रखेंगे अच्छे से रहेगा बेचारा। तो बने रहिए आप सब, आशा है बने रहेंगे, लाइक भी करेंगे, उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्यारा सब लोग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों देखिए पार्सल आया है जो कि हम मंगाए थे, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। कमेंट में तब तक जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होगा इतना बड़ा। तो दोस्तों ये देखिए क्या मंगाए हैं, ये है बेडशीट। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं बेडशीट चेंज करो, तो इसलिए आज हमने बेडशीट मंगाया है जो कि सूती मतलब दोनों मिक्स कॉटन, और हमको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, कवर का इसका जरूरत था, तकिया खोल का, जो कि दो इसने दिया है ऑलरेडी। तो चलिए अब सारे सेट करके और अच्छे से लगाएंगे, और आप लोग बताइएगा ये कलर कैसा लगा बेड का। तो सिंगल बेड मंगा रहे, डबल बेड मत दे दे रहे तो कहा हो डबल का सिंगल। चलिए बिछा के देखते हैं, बड़ा लग रहा है तो क्या हो जाए, थोड़ा सा मोड़ दी हो क्योंकि सिंगल मंगाए थे और अच्छा है ना। ललन तो मेरे से प्यार नहीं करती, देखिए तोड़ के आएगी प्यार करेगी, ये देखिए बस 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 देखना नीचे चींटियां चल रही है, देखिए दोस्तों कितना चींटियां चल रही है, बाप रे। लक्ष्मण रेखा बोलते हैं दोस्तों, लक्ष्मण रेखा ला के कई बार खाच खाच के रेखा कुछ नहीं होता है, सरसराइले चली आती है चींटियां। तो अभी देखिए दोस्तों बेड लग चुका है, काफी प्यारा लग रहा है। इधर तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा बड़ा जो फ्लेटो में होता है ना लटक जाता है, उस तरह का लटका ये काज। बहुत मस्त कलर हमको ये लगा, घर मतलब होता है ना व्हाइट व्हाइट वाला, बहुत अच्छा लगता है। बट इसमें हाँ कमेंट आया था व्हाइट कलर का पेंट करने के लिए, पेंट कर देंगे। व्हाइट कलर थोड़ा सा लाइटिंग में लगता है ना, और वीडियो भी साफ आता है और अच्छा लगता है। इस दिवाली पे करेंगे पेंट है, तो दिवाली पर शुभ होला करे क्या बेटा, ऐसे लगा लेना। वाव आपको अच्छा लगा। हाँ। दोस्तों सारा बेड वेड लग गया, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और तकिया भी लगा दिए दोनों, बहुत सुंदर लग रहा है। मानसिक देखिए चिपका लिए टेप। कपड़ा इस काम को धोने से बात करते, सोना से पीतल हो गया, पीतल सोना से पीतल हो गया, पीतल से अब चांदी हो जाएगा, चांदी से लोहा हो जाएगा, मतलब इसका कलर दिल्ली में एक दिन भी बढ़िया सा कलर नहीं टिक पाया इसका ना, पहले कितना अच्छा लगता, बेकार लग रहा। और देखिए बेड पर दोनों तीनों लोग खेल रहे हैं, मस्त लग रहा है। आप लोग कमेंट बताइएगा कैसा मेरा पसंद है कलर, कपड़ा तो इसका अच्छा नहीं है, एकदम पॉलिएस्टर पिछले गाड़ी। और क्या हुआ, चोट लग गया, इधर आओ इधर आओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो चलिए आप लोग का कमेंट के अनुसार घर को भी पेंट करा देंगे जरूर से जरूर, जल्द से जल्द। बाकी सब चीजें जल्दी से ठीक कर लेते हैं और चलते हैं खाना बनाने। क्या बनाए खाना, कुछ कुछ में का आलू बा जोन बात तो बोले, दूसरा एक्स्ट्रा कहाँ से आई, एक्स्ट्रा का नहीं आया, मतलब आलू बा बेसन बा जोन बात तो उन्हें बने, दूसरा कुछ तो नहीं, बेसन का सब्जी रोटी, यस कढ़ी रोटी बनाते, यस तू नून रोटी बना के तब हम खुश बने, बस तारा हाथ के खाए ढेर दिन खा लेगा। देखिए दोस्त ऐसे बतिया रहे हैं जैसे कि डेली हम बनाते, मजाक करते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों देखते नहीं है, देखते नहीं है दोस्तों, हो हो सब देखते हैं, बड़ी देखते हैं। देखिए कैसे इंसान ऐसे ही मारते हैं, ये मारा क्या कर रही हो भैया साथ, मानसी को अभी जा रहे नहलाने, सुबह नहा फिर भी उसे काम, सुबह नहाई थी ना मानसी, आप सुबह उठते उठते नहा ली बाद में, बपरी बपरी हटो हटो। हाँ मैं भी नहाऊंगा अभी जस्ट, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिला, घर को सफाई की है, फिर उधर मम्मी को छोड़ने चले गए थे,
गए थी? हम थोड़े गए थे, आप मम्मी से बिना बताए कहाँ गए थे पहले बताओ। कहीं भी जाते हैं मम्मा से पूछ के जाते हैं। चुप रहे। क्या बोला पहले भी मम्मी ने डांट दिया तक वो ने हो गया बिस्तर का हो गया दोनों बात में। एक वो तो बाहर ही जन खराब करेगी। महादेव दोस्तों गुड मॉर्निंग। और अभी ये नेक्स्ट डे है और रात में अभी हम 2 बजे तक जागे थे, वीडियो का कुछ काम कर रहे थे तो रात का 2 या फिर 1 बजे से ही बारिश मतलब झीझी पड़ना स्टार्ट। और वैसे ही नॉर्मल बारिश जैसा होता है दिन भर टप्पा टप्पा बरसते रहे वैसे ही रात से ही बरसता है। और बेड का हाल बहुत ही खराब, घर का भी हाल बहुत खराब था, थोड़ा बहुत हमने ठीक किया और घर ठीक करके अब सोच रहे पैरेट का जगह चेंज कर दिए हैं, नीचे प्लास्टिक बिछा दिए हैं तो सोच रहे अभी इसको खाना वाना डाल देते हैं, उसके बाद घर में जो खाना होता है वो बनाते हैं और सोच रहे इसको न्यू घर पर पहुंचा देते हैं क्योंकि यहाँ उधर इधर किधर रखेंगे खाना बना रहे इधर से पानी आ रहा और इधर में नहीं रख सकते, इधर से पानी ही आ रहा, इधर थोड़ा सूखा था तो रखे हैं तो इसको उस वाले घर में पहुंचा देंगे, अच्छे से अपना रहेगा वहाँ भी। आप लोग देखे झाड़ू वाड़ू लगा दिए, मस्त बेड वेड लगा हुआ है, लाइट पंखा सब है तो वहाँ अपना आराम से रहेगा। और तो हम भी खाना वाना बना कर सके तो उसी में जाएंगे और आगे में तो पानी लग जाएगा तो जाना मुश्किल हो जाएगा उधर भी, लेकिन देखते हैं जिस दिन तक नहीं लगता है पानी उस दिन तक इधर ही मतलब उधर ही रहेंगे। और देखिए कितना सुंदर से सब बारिश आ रहा है, गए थे लेटरिंग करने का मर जाए सब बता देते जय हाथ गोड़ा सा सुधो। और क्या होता है तो चलिए फटाक से हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा घून रात को निकला था ना पूछिए मत। अरे हम बनाएंगे लिट्टी तो आप लोग बने रहिए। देखिए पानी बैठा दिए मन से उसी टाइम से बोले फिर तो चलिए लिट्टी बैठा देते हैं। अभी दोस्तों काजल ने बनाया है इतना सारा लिट्टी और बैंगन काट रही है चोखा बनाने के लिए, बाकी उसमें अभी फ्राई होगा, हल्का सा पानी में उबाल दिए बस और फ्राई होगा, हल्का सा नहीं पूरा उबाल दिए है। और मानसी एक लिट्टी खा भी रही है। अभी देखी थी ना बेटा कि जो बच्चा फोन देखेगा उसको कौन आएगा उसके पास, देखे थे ना वीडियो अभी। हाँ तो क्यों फोन देख रही हो, अभी आ जाएंगी जो अभी मोबाइल में दिखा रहे थे ना। बंद करो जल्दी से बंद करो, अभी आ जाएगी आपके पास तो क्या करोगे बताओ। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों कुकर में दाल बन रहा है क्योंकि काजल कह रही है कि मेरे से दिन भर लिट्टी नहीं खाया जाएगा इसलिए दाल चावल थोड़ा सा बना लेते। चावल के प्यासे चावल के तो दोस्तों देखिए बैंगन का चटनी हम चोखा बनाया है, इसमें एक और बैंगन ऐड करेंगे क्योंकि प्याज मिर्च ज्यादा हो गया, प्याज मिर्चा नमक लहसुन और तेल ऐड की हूँ। और इधर दाल भी बनाई हूँ मैं, चावल बन रहा है और लिट्टी को देखिए कितना अच्छा बॉईल करके इसमें मैं डाली थी करौंदा का अचार, मिर्चा का अचार, नमक तेल हल्दी और धनिया पत्ता, ग्रीन चिली और ओनियन और क्या बोलते हैं नमक, सारा कुछ मिक्स कर ली थी अच्छे से और उसके बाद भर दी थी और बॉईल करके तल दी थी बस। और दाल चावल फिर चोखा रहेगा क्योंकि रोटी कितना भी खा लूँ मेरा पेट ही नहीं भरेगा, इसलिए एक गिलास चावल और दाल बना रहे मानसी भी, कोई भी खा लेगा उससे मियाज भी फ्रेश रहेगा। तो रोटी खाते तो ऐसे भगवानी जैसा रहेगा और लगेगा ही नहीं कुछ क्या करे, अजीब सा मियाज हो जाता है इसलिए। तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए खाना हम निकाल लिए हैं, उतना चोखा बचा दिए मानसी के पापा के लिए, खाली लेती है खा इनकी दाल चावल चोखा ना खा ली माई गिर गई ठीक है ले हम ये में आते हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए शाम का टाइम हो रहा है और देखिए मानसिक पापा चाय बनाए खुद से अपने लिए और ना कितना एक पूला एकदम दिए हैं आए, हम चाय इनसे मांगो नहीं किए और अभी ना पूरा बारिश हाँ कहीं ना कहीं हुआ है, इतना मस्त लग रहा है क्या बताए चारों तरफ।
तो चलिए चलते हैं उधर कूलर मैन के लिए चलाएं, क्योंकि ना बहुत बड़ा बड़ा मच्छर आ रहा है और बाइक के लिए हम कवर मंगाए हैं ऑनलाइन, क्योंकि मेरा बाइक खराब हो जाएगा बाहर में लगे लगे। दिन में तो बाहर ही रखना पड़ेगा, रात में तो अंदर रहता ही है, तो दिन में खराब हो जाएगा बाहर। बारिश भी 24 घंटा देखे बारिश हो रहा है, सुबह से ही रात 1 बजे से ही हो रहा है। और ये देखते इधर ना रोड का हालत बहुत ही खराब है, इधर धक्का दांत दिखा लेवन जी, देखिए ऐसे ही दांत दिखाते हैं हमको, और देखिए इधर कितना खराब हालत हुआ है। और पूरा सावन अब लग रहा है कि सावन है हमारे यहाँ, क्योंकि अब बारिश लगातार होते जा रहा है। और यहाँ जो हमने फरहरी लगाई थी मैं, तो देखिए लकड़ियाँ कुछ रख दी ऊपर चढ़ देगा, और वो लेटरिन के पीछे भी लगाई हूँ, तो वहां भी सोचे ना उधर वाला डाली ये कटवा दूंगी, क्योंकि गिरने और का डर रहता है। और इसको भी तोड़ देंगे क्योंकि इधर जा रहा है फिर लाइट तरफ। तो यही सब बात है, दिन मौसम तो बहुत ही प्यारा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है हम लोग को। और ना दोस्तों, आप सब देखिए हम कैसे बैठे हैं कहाँ, आप सब बहुत सारा कमेंट किया उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अभी चाय पीजिए, हमारे यहाँ बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आया, बहुत अच्छा आप लोगों ने दिलासा दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहले भी अकेले थे दोस्तों, तो मतलब आप सभी दिलासा देते थे तो बहुत अच्छा लगता था, जब हम मतलब दिल्ली में थे नोएडा में थे तो। और अभी भी बीच में हम कुछ भटक गए थे इधर उधर और कमेंट आया अच्छा अच्छा, तो फिर हम पहले जैसे जी रहे हैं, बहुत अच्छा है, जैसे दिल्ली में रहते थे एकदम मस्त, अपना खाली 2 लोग थे, ब्लॉग बनाओ और अच्छे से रहो, बीच में थोड़ा इधर उधर आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन झेलना पड़ा, बट आप लोग के कमेंट सुन सुन के दिल गदगद हो गया कि हमारे साथ इतने हमारे यूट्यूब फैमिली है, तो बहुत अच्छा लगा। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमें आशा उम्मीद है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग मतलब 2 ही 3 लोग थे और अभी भी है, तो आगे पीछे कोई नहीं था, तो YouTube पर आए और YouTube से हमें YouTube बोलते हैं, YouTube से हमें काफी सपोर्ट और प्यार आप सबको मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आगे भी बनाए रखेंगे, और हमें अब सब समझ आ गया है, आप लोग बहुत अच्छे समझाए कि दुनिया वालों को बोलने दीजिए, बोलने देते लेकिन कुछ होता है ना कि अच्छा नहीं लगता है, तो हम कुछ कुछ बातें शेयर कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसको भी हम इग्नोर मारेंगे। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बरसात के मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय। और जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा प्यारा प्यारा।